आप सबका स्वागत है। आज हम 9 अप्रैल की ईश्वर वरदान में पहुंचे हैं और परमात्मा चाहते हैं कि हम अपनी दिव्यता, जो चमकता हुआ सितारा जैसे स्पार्क, एक लाइट, एक प्रकाश हम सबके मस्तिष्क में, निधार में बैठा हुआ है, वही हम स्वयं हैं, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। और उस रूह और आत्मा को पहचानने से हम ये समझते हैं कि ये शरीर है जो इस समय, ये जो मुख जो बोल रहा है, वो तो केवल एक शरीर बोल रहा है, लेकिन बोल कौन रही है? आत्मा। आत्मा शरीर से अपने जीवन को अनुभव भी करती है और अपने जीवन को एक्सप्रेस भी करती है औरों के सामने। जैसे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, जिस शरीर का नाम परमप्रीत है, उसके द्वारा आपके साथ में ये वरदान, ये ज्ञान की बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आत्मा शरीर से निकल जाऊं तो ये मुख बोलना बंद हो जाएगा, आंखें दिखनी बंद हो जाएंगी। तो परमात्मा आज के वरदान में कहते हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भवा। पहले अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपनी स्थिति रूहानी हो सकती है या जिस्मानी हो सकती है, या तो हम अपने जीवन के धन दौलत रूप रंग के अहंकार में हो सकते हैं, विमान में हो सकते हैं, बुद्धि के विमान में, मन के विमान में, या तो फिर हम आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करने के स्टेज में हो सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे स्थूल रोशनी, मतलब कि ये जो लाइट है, मेरे सामने भी लाइट है, लाइट है, ये स्थूल रोशनी हो गई, पर परवाना स्वतः आते हैं। परवाने जो होते हैं, जिसको कि हम दार्जिलिंग में पुतली कहते हैं, तो वो उड़ते हुए आ जाते हैं। जैसे आप लाइट ऑन करेंगे, बाहर अंधेरे से वो उड़ते हुए आते हैं और फिर चक्कर लगाना शुरू करते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। हम सितारों पर, सितारा कौन? आत्माएं, जिसकी प्योर लाइट है, डिवाइन लाइट है, फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। अब अभ्यास क्या करना है? ताकि मेरे अंदर वो अट्रैक्टिव पावर हो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। हर एक के अंदर एक आत्मा है, शरीर के बियॉन्ड। इस कहते हैं ना कि ब्यूटी स्किन डीप, स्किन डीप स्किन के अंदर कौन है, इस हड्डी के अंदर कौन बैठा हुआ है? आत्मा बैठी हुई है। सदा नजर चमकते हुए सितारे लाइट तरफ जाए, शरीर की तरफ नहीं। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी, तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, हमारी ये सोच, ये तरीके की सोच द्वारा, स्थिति द्वारा, जब हम औरों की आत्मा को देखेंगे, उनके चमड़ी को नहीं, उनके धर्म को नहीं, उनके जात पात को नहीं, उनके भारी स्वरूप को नहीं देख करके, उनके अंदर जो बैठी हुई शरीर में आत्मा है, उसको जब हम देखने का प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली और आत्मा को भी महसूस ना होगा कि हमारे अंदर से उनको कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा, तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। उनको फील होगा कि ये आत्मा जो है, ये अलग है, इसमें कुछ है, महत्वपूर्ण है, कुछ अलग है। तो ये चीज आपको महसूस होती है जब आप ब्रह्म कुमारीज में आते हैं, जब आप ये आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और औरों को आप स्पिरिचुअल लाइट प्रदान करते हैं और उनकी भटकने को खत्म कर देते हैं आप। इसके साथ ओम शांति।